बेसिकली दो अभी जो हमने फर्स्ट से लेके 10 तक सम किया वो अलग टाइप के थे, और 10 से लेके 15 तक के सम में काफ़ी अलग टाइप के सम है। पहला इसमें कुछ फॉर्मूला है, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता रहेगा, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इजिकल टू क्या रहता है, परसेंटेज ऑफ क्या रहता है, लीज प्राइस, मतलब लीज प्राइस का जो भी रहेगा उसका परसेंटेज रहता है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इनवॉइस प्राइस इजिकल टू लीज प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस माइनस क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस इजिकल टू लीज प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस माइनस क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस, परसेंटेज ऑफ क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस। और नेट प्राइस कैसे मिलेगा, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या रहेगा, कैश डिस्काउंट। मतलब इनवॉइस प्राइस में से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें नेट प्राइस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन लीज प्राइस। अरे लीज प्राइस पे जो भी डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट। और वॉशिंग मशीन फर्दर 5% डिस्काउंट गिवन ऑन कैश पेमेंट, फाइंड द लीज प्राइस। हमें क्या फाइंड करना है, लीज प्राइस फाइंड करना है ऑफ द वॉशिंग मशीन। इफ द ही वॉज सोल्ड टू द नेट प्राइस कितना दिया है, 38,356.25। ये क्या दिया हमें, नेट प्राइस दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, लीज प्राइस फाइंड करना है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ, लेट क्वेश्चन नंबर अपना है 11, लेट लीज्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। बराबर लीज प्राइस हमने क्या लिख दिया, लीज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, एक्स। बराबर अभी क्या बोल रहे हैं, 15% डिस्काउंट ऑन लीज प्राइस। तो यहां पर देखो, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इजी कर टू क्या है, 15% क्या रहेगा, लीज प्राइस। और 15% तो 15 अपॉन कितना रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय लीज प्राइस को हमने क्या लिखा, लीज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, एक्स। तो कितना लिख दूं यहां पर, एक्स। तो इजी कर टू आंसर करोगे तो 15x अपॉन क्या आ गया, 100। ये क्या आ गया अपना, ट्रेड डिस्काउंट। ये अपना क्या आ गया, ट्रेड डिस्काउंट। बराबर अभी इनवॉइस प्राइस कैसे मिलेगा, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीस्ट प्राइस माइनस क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। बराबर और इनवॉइस लीस्ट प्राइस हमने क्या लिया, एक्स। और माइनस कितना करना है, 15x अपॉन 100। तो देखो ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखूँ, 1। तो पता है अपना बेस क्या करना पड़ेगा, सेम। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अपॉन में इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 को इससे भी। तो क्या रहेगा, 100x अपॉन कितना आएगा, 100 माइनस 15x अपॉन 100। ये 100 क्या लिख दूँ मैं, कॉमन लिख दूँ, 100 में क्या लिख दूँ, ये 100 मैंने क्या लिख दिया, कॉमन लिख दिया। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 100x माइनस 15x तो करोगे अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 85x अपॉन 100। तो ये क्या आ गया अपना, इनवॉइस प्राइस आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना बोल रहे, 5% ऑफ किसका रहेगा, इनवॉइस प्राइस। तो 5%, तो 5 अपॉन कितना आ गया, 100। और इनवॉइस प्राइस कितना है, 85x अपॉन कितना आ गया, ये 100। अभी देखो 5 1 5 5 2 कितना हो गया, 20। अभी देखो इसको और कर सकते, 5 1 5 और कितना आ गया, 3। 5 7 कितना आ गया, 35। और 5 4 कितना हो गया, 20। तो इसका अपना कैश डिस्काउंट कितना आया, अपना कैश डिस्काउंट इजिकल टू 17x अपॉन 4 और 100 कितना हो गया, 400 हो गया। अभी क्या फाइंड करना है हमें, नेट प्राइस। नेट प्राइस इजिकल टू क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस
माइनस क्या रहेगा अपना कैश डिस्काउंट, और इनवॉइस प्राइस कितना है अपने पास 85x/100, और माइनस कैश डिस्काउंट कितना आया था अपना 17x/400। तो देखो यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 100 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जहाँ तक हमने नेट प्राइस बुक में दिया ही गया है, नेट प्राइस आपको दिया है 30, देखो लास्ट में दिया है इज वॉज अ नेट प्राइस कितना दिया है 38,356.25, ऑलरेडी नेट प्राइस दिया ही गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिया ही गया है कितना 38,356.25, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 340x, और अपॉन कितना रहेगा 400 माइनस 17x अपॉन 4, ये 4400 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो 38,356.25 और ये कितना आ गया 340x माइनस 17x अपॉन कितना रहेगा 400 लिख देते हैं यहाँ पर, ये 400 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 38,356.25 = अभी इनको माइनस करोगे तो आएगा 340 माइनस 17, तो 327x बराबर, 340 माइनस 17 करोगे तो आंसर आएगा 320, इसको करोगे तो 38,356.25 मल्टीप्लाई बाई 400, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा अपना 323x। अभी करना कुछ नहीं है, इसको इस तरफ लेके जाओ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 38,356.40 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 323, तो x अपना आंसर आएगा 47,500, तो x कितना आ गया 47,500, तो therefore least price of rupees 47,500, ये हो गया। बस आपको खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी छोटा सा ही सम है, और बुक सेलर रिसीव, उस बुक सेलर ने रिसीव कितना किया 1530 एट अ 15% कमीशन ऑन लीज प्राइस, 15% कमीशन ऑन लीज का है, फाइंड द लीज प्राइस ऑफ बुक, हमें क्या फाइंड करना है लीज प्राइस ऑफ बुक क्या करना है फाइंड करना है, तो सिंपल लेट लीज प्राइस ऑफ बुक्स बी एक्स रुपीज एक्स बराबर, और क्या बोल रहे हैं कमीशन कितना बोल रहे हैं 15% कमीशन ऑन लीज प्राइस, तो देखो 15% कमीशन ऑन लीज प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा 15% ऑफ लीज प्राइस, लीज प्राइस कितना लिया था लीज प्राइस, तो 15 अपॉन कितना रहेगा 100, और लीज प्राइस क्या दिया है एक्स, तो कितना आंसर आएगा 15x अपॉन कितना आ गया 100, ये क्या आ गया अपना कमीशन आ गया। और देखो सम की स्टार्टिंग में ही बोल रहा है बुक सेलर रिसीव, रिसीव कर रहा है मतलब ये क्या रहेगा उसका नेट प्राइस, तो सिंपल है नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा लीस्ट प्राइस माइनस कमीशन, और नेट प्राइस कितना दिया है 1530 लीज प्राइस एक्स, और ये कितना है माइनस 15x/100, इसको भी करना रहेगा तो इसके भी बेस में कितना आएगा ये 100x/100 माइनस 15x/100, पता चला बेटा बेस क्या किया मैंने सेम किया ये 50, और इसको क्या करोगे 100 100 क्या हो गया कॉमन हो गया, ये 100x माइनस 15x करोगे तो आंसर कितना आएगा 85x, तो ये इस तरफ जाएगा 1530 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 85x, ये 85 को इस तरफ डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 15300/85, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा अपना 1800, और 1800 अपना क्या है लीस्ट प्राइस, सो देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ बुक्स
इज ₹1800। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, एकदम छोटा सा ही सम था। क्या बोल रहे हैं, 13 सम, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8832 आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड फर्दर 4% डिस्काउंट ऑन कैश डिस्काउंट। अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर कितने में सेल कर रहा है, 8832, मतलब ये क्या हो गया अपना नेट प्राइस हो गया, और 8% क्या मिला है हमें डिस्काउंट, तो ये कौन सा ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना है 4%। तो इससे हम फाइन कर, बाकी का सम बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना तो हम सम करते। तो यहाँ पर हमने पिछले जितने भी सम किए उसमें तो यहाँ पर क्या लिखे गए, लेट लीस्ट प्राइस ऑफ सूट पी रुपीज एक्स, बराबर ये हो गया। तो अभी क्या करना है, लीस्ट प्राइस को ही क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखो, अभी ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट 8% ऑफ लीस्ट प्राइस, या तो क्या बोलो, लीस्ट प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो ये अपना आ गया 8 अपॉन कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई लीस्ट प्राइस को क्या दिया 1, तो क्या आएगा 8x अपॉन कितना आ गया 100। ये क्या आ गया अपना ट्रेड डिस्काउंट। अभी क्या फाइंड करना है हमें, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। तो लीस्ट प्राइस अपना x माइनस क्या करना है, लीस्ट प्राइस x है और माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 8x अपॉन कितना आ गया 100। तो इसको मैंने बताया था बेस सेम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100 माइनस x, तो कितना आएगा 92x अपॉन कितना आ गया 100। ये क्या आ गया अपना इनवॉइस प्राइस आ गया। अभी क्या फाइंड करना है, कैश डिस्काउंट बोला गया है हमें 4%, तो कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 4% ऑफ क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस। आप फुल फॉर्म में लिखना तो 4%, तो 4 अपॉन कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई इनवॉइस प्राइस कितना 92x अपॉन 100। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 425 का कितना होता है, तो ये कितना आएगा 92x अपॉन कितना आ गया 2500 आ गया। ये क्या आ गया अपना कैश डिस्काउंट। फाइंड क्या करना है अभी, नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। और इनवॉइस प्राइस बुक में दिया ही गया, ऊपर देखो वेरी फर्स्ट दिया 8832 माइनस कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट, और नेट प्राइस दिया है हमें कितना दिया 8832, और इनवॉइस प्राइस कितना आया था अपना 92x अपॉन 100 माइनस ये कितना आया था 92x अपॉन 2005। देखो इसके को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस सेम करना है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, मतलब 25 से एक बार नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार कहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसको ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 92x अपॉन 2500 माइनस 92x, ये आगे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या आएगा 8832, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 8832 मल्टीप्लाई बाई 2005, और इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है 225 मल्टीप्लाई बाई 92x माइनस 92x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको तो x इज इक्वल टू आपको आंसर आ जाएगा 10,000। आप ऑटोमेटिकली करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 10,000। तो देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ सूट बी रुपीज 10,000। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है।
ये तो हो गया रिटेलर सोल्ड सूट फॉर 8,832 आफ्टर अलाउिंग 8% रेट डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड फर्दर 4% डिस्काउंट ऑन इफ द मार्केट इफ हीज मेड 38% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस द मार्केट प्राइस ऑफ सूट मतलब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 38% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो फाइन क्या करना है हमें मार्केट प्राइस ऑफ सूट क्या करना है हमें फाइन करना है तो सिंपल देखो एक फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला होता है नेट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और बोला है कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या रहता है 100 और प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं 38% तो हमना नेट प्राइस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें तो नेट प्राइस अपना कितना रहेगा नेट प्राइस इज इक्वल टू 138% बराबर तो नेट प्राइस अपना कितना है 138 और यहां पर देखो नेट प्राइस दिया ही गया था कितना दिया था 8,832 अपना नेट प्राइस इक्वल टू 138% और कॉस्ट प्राइस 100 इसका हमें क्या करना है कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस क्या करना है हमें फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना रहेगा 8,832 मल्टीप्लाई बाय 100 और 138 तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आप लोग का आ जाएगा 6,400 तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6,400 तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 6,400 हो गया अपना सम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डील क्रिएशन इफ सेलिंग गुड्स वर्थ रुपीज 37,200 फाइंड टोटल अर्निंग सिंपल है अगर वो एजेंट क्या कर रहा है एजेंट रेट ऑफ कमीशन 10% 2% क्या कर रहा है डील क्रिएशन कमीशन और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड कितना दे रहा है 37,200 तो देखो पहले यहाँ पर एजेंट कमीशन एजेंट कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा सेलिंग प्राइस पे कितना लेना है ऑफ 10% है तो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 10 अपॉन कितना रहेगा 100 और सेलिंग प्राइस दिया अपना 37,002 ये एक 20 क्या हो गया कैंसल हो गया तो कितना है 3720 ये क्या आया एजेंट कमीशन बराबर अभी क्या 2% क्या करना है डील क्रिएशन कमीशन तो यहाँ पर देखो 2% क्या करना है उसको किस चीज़ का पैसा पे करना है डील क्रिएशन कमीशन तो डील कमीशन इज इक्वल टू क्या बोल रहे 2% ऑफ किसका रहेगा सेलिंग प्राइस तो 2 अपॉन कितना रहेगा 100 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 37,200 तो ये 200 क्या हो गया कैंसल हो गया 2 2 4 7 2 कितना हो गया 14 और 3 2 कितना आएगा 7,444 अभी फाइन क्या करना है एजेंट टोटल अर्निंग तो यहाँ पर देखो एजेंट टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एजेंट कमीशन ऑन किसका ये एजेंट कमीशन ऑन क्या है सेल प्लस डील क्रिएशन कमीशन तो देखो यहाँ पर एजेंट कमीशन ऑन सेल्स प्लस किसका कमीशन है डील क्रिएशन कमीशन तो एजेंट कमीशन कितना है 3720 प्लस 744 तो आपका आ जाएगा 4460 तो देयरफॉर एजेंट टोटल अर्निंग अर्निंग इज रुपीज 4460 हो गया क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सम होलसेलर अलाउ 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट 25% क्या है ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या फाइंड करना है नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल एट अ मार्केट हमें क्या फाइंड करना है व्हाट विल बी द
नेट प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है। द आर्टिकल एट अ मार्केट कितना है, 1600। तो ये 1600 अपने लिए क्या है, लीज प्राइस है। ऑलरेडी लीज प्राइस सब में दिया ही गया है, तो बस यहाँ पर लिख दो द आर्टिकल इज अ मार्केट इज अ 1600, दैट इज लीज प्राइस कितना दिया है 1600। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट, तो सबसे पहले क्या फाइन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, 25% ऑफ किसका रहेगा, लीस्ट प्राइस। तो 25% मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाई 1600, 200 क्या, तो अपना लीस्ट प्राइस कितना आ गया, 400 आ गया, सॉरी, तो अपना ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 400 आ गया। तो अभी फाइन क्या करना है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीज प्राइस माइनस क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। लीज प्राइस कितना है 1600, माइनस कितना करना है 400, तो कितना आया 1200। ये क्या आ गया, अपना इनवॉइस प्राइस आ गया। अभी क्या फाइन करना है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो कितना रहेगा 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 1200। ये 0 गया, 12 फाइजा कितना होता है 60। ये क्या आ गया अपना कैश डिस्काउंट। तो अभी क्या फाइन करना है, नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या लिखना है, कैश। इनवॉइस प्राइस कितना है 1200 - 60, तो कितना आएगा 1140। ये अपना क्या आ गया, नेट प्राइस। तो देयरफॉर नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1। आई होप आप करता हो कि मेरे साथ साथ आपने भी सारे सम सॉल्व किए हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। थैंक यू।